जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर भी चलते हैं। और कोविड की वजह से जो सिचुएशन इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यूनियन टेरिटरी में बनी है उसने तशवीश में इजाफा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कर दिया है, मुआलजीन के लिए कर दिया है और उन प्लानर्स के लिए भी जो मुसलसल कमेटियां तश्कील देने के बाद इस वायरस के फैलाव को कम करने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे रहे थे। पिछले 24 घंटों के दौरान 1600 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर में दर्ज किए गए हैं जो 5 जून 2021 के बाद सबसे ज्यादा एक दिन में केसेस की तादाद है और साल 2022 में यह अब तक का नया रिकॉर्ड है। शायद आने वाले दिनों में या आज ही शाम तक ये टूट जाए, मगर इन 1695 अफराद में सिर्फ आम शहरी नहीं, इदारों के अंदर काम करने वाले लोग, तलबा पॉजिटिव पाए गए या टीचर्स कई मकामात पर पॉजिटिव होने की इत्तला मौसूल हुई, मगर हेल्थ वर्कर्स भी 150 से ज्यादा 1700 के करीब केसेस में पॉजिटिव पाए गए पिछले 24 घंटों में। पिछले 24 घंटों की जब हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर, कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर और सिविल सेक्रेटरीट के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 80 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के अंदर, और स्पेशल ब्यूरो के अंदर 17 ऑफिशियल्स पॉजिटिव पाए गए हैं, कई बैंक मुलाजमीन पॉजिटिव पाए गए हैं, IIT जम्मू में कल एक दर्जन से ज्यादा बच्चे जो है वो पॉजिटिव पाए गए। तो इस तरीके की सूरत हाल है जी की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है और एहतियात के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, या तो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं या सरकार अब जुर्माने तक महदूद हो गई है, लेकिन जो SOPs को अडॉप्ट करना था उन SOPs का जनाजा हमारे बाजारों के अंदर भी है, उन SOPs का जनाजा हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी है, उन SOPs का जनाजा हमारे अस्पतालों के अंदर भी उठ चुका है। तो बराए करम मतलब जो तस्वीरें हमने कल दिन में देखी है ना, दिल दहलता है उस बच्चे की तस्वीर को देखकर जो मेरे ख्याल से 12 साल तक जिसकी उम्र थी, कल उसकी मौत हुई है कोविड की वजह से। तो खुदा की कसम दिल रोने को आता जब वो तस्वीरें हम देखकर नहीं चला पा रहे हैं उनको TV पर, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि आपका दिल भी दुखे, लेकिन ज़रूर इतनी दरख्वास्त आपसे करते हैं कि बराए करम और बराए खुदा के वास्ते आप एहतियात बरतिएगा और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, और हमारे बुजुर्ग जो है घर से बाहर ना निकले, बच्चे घर से बाहर ना निकले, और वही लोग घर से बाहर निकले जिन्हें अशद ज़रूरी है, दफ्तर जाना है, कोई सामान लाना है। यूं ही जनाब चल रहे हैं जी बाहर तक चौराहे पर, देखते हैं खड़े रहकर कि क्या हो रहा है जी, फिर चौपाल बनानी है हमने, मीटिंग करनी है जी, फिर हमने फ्रांस, रूस, इटली, जम्मू कश्मीर को डिस्कस करना है। बराए करम फोन पे कीजिएगा, मोबाइल आज हमारे हाथ में है, और वीडियो कॉलिंग के जरिए से बातचीत कीजिएगा, एहतियात बरतिएगा क्योंकि सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो रही है और इस इंतहाई कशीदा सूरत हाल के बीच इंतजामिया जरूर अपने तरीके से हाथ पैर फैला रही है, लेकिन जब तक हम मिनहसुल कौम और जम्मू कश्मीर के अवाम जब तक इसका पूरा तामुन नहीं करेंगे शायद तब तक कोई बड़ी तब्दीली हो इसका मुझे कोई अंदाजा अभी नजर नहीं आ रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है जी एहतियात करने की, एहतियात बरतने की, और अगर हमने एहतियात में चूक की अब की बार तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कहां 100, 200, 400 और 1000 के आसपास के साथ 1600-1800 के करीब केस, तो इसका ध्यान रखिएगा, लेकिन टेस्टिंग फैसिलिटी एक पीठ थपथपानी पड़ेगी जी महकमा सेहत के जिम्मेदारों की, इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों की। जम्मू और श्रीनगर के अंदर टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और ये बढ़ने वाली जो टेस्टिंग है इससे कई चीजें बेहतर हो रही है, पता लग रहा है कि कहां की ओर हम जा रहे हैं और कहां की ओर नहीं जा रही है। जब ये सूरत हाल बन रही है तो उड़ी के अंदर अब ओमिक्रॉन भी हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है जी, लेट से ही सही लेकिन हमें पता तो लग गया है कि ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है जम्मू कश्मीर के अंदर और एक से ज्यादा केसेस हमारे पास है मौजूद। तो उड़ी का इलाका माइक्रो कंटेनमेंट जोन कर दिया, ओमिक्रॉन कंटेनमेंट जोन कर दिया है, वहां पर रेंडम सैंपलिंग भी चल रही है, मास कॉन्टैक्टिंग चल रही है, निकाला जा रहा है कि कौन लोग उसकी रबते में आए थे जो हमला खातून वहां पर पॉजिटिव आई है। लेकिन इस बीच बड़ी परेशानी जो है मजरा एदादोशुमार पहले आपके सामने रख दूं कि क्या कुछ है जी, 812 केसेस जम्मू डिवीजन के हैं जिनमें सिर्फ जम्मू के आपको 430 से ज्यादा केस हैं, और फिर कठुआ में 90 से ज्यादा, रियासी 85 से ज्यादा, उधमपुर 60 से ज्यादा, रजौरी 42 से ज्यादा, सांबा में 30, पुंछ में 22, रामबन 15, डोडा में 10 केस, किश्तवाड़ में भी इसी तरीके के केसेस की खबरें जो है वो आई है। ये तो जम्मू प्रोविंस हुआ। अब कश्मीर की बात करें, 320 से ज्यादा केसेस आपके पास है कोरोना पॉजिटिव के, तो श्रीनगर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एक बार फिर आ चुका है जी,
उसके बाद आपके पास 320 केस आपके सिर्फ श्रीनगर के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर। और फिर आगे बढ़ेंगे तो बारामूला आपको नंबर टू पर दिखेगा, 250 के आसपास केसेस वहां पर। बड़गाम के अंदर 116 केस ट्रिपल डिजिट में है। पुलवामा में डबल डिजिट है जी, 30 के करीब। 52 कुपवाड़ा, 40 अनंतनाग, 35 बांडीपोरा, 18 गांधरबल, 20 कुलगाम, 1 शुपिया। और इस तरीके से कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के अंदर केसेस की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है, ये तो एक बात है। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो माहिरीन लगातार आवाज उठा रहे हैं और हुकूमत से जिस चीज का मुतालबा किया जा रहा है वो टेस्टिंग फैसिलिटी है, क्योंकि अभी तक हम क्या देखते थे कि कोविड 19 टेस्टिंग फैसिलिटी लैब हमारे पास मौजूद थी, जाते थे और आपको एक दो दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट जो थी आती थी। लेकिन अब जो हमें जीनोमी जो नया हमारे पास वायरस आया है इसके लिए एक सीक्वेंस वाला WGS जिसको कहते हैं, वो हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। और यही वजह है कि दिसंबर में सैंपल दिया गया और जनवरी में आपको पता लगा कि हाँ जी हमारे पास ओमिक्रॉन के केसेस पॉजिटिव आए हैं। सरकार पर ये दबाव इस वक्त बहुत ज़्यादा है कि जिस तरीके मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर इंडिपेंडेंट लेबॉरेटरियाँ बनाई गई हैं, तशखीसी मरकज बनाए गए हैं ओमिक्रॉन के हवाले से, जम्मू कश्मीर के अंदर भी होना चाहिए ताकि यहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटी यहीं पर हो और यहीं पर इसका रिपोर्ट भी जल्दी जल्दी से आए। इस सिलसिले में हुकूमत ने बहुत पहले तो इसका ऐलान किया था कि दो लैब जो है WGS की हम कायम करने जा रहे हैं, एक जम्मू के अंदर एक कश्मीर के अंदर, और टेंडर्स भी फ्लोट किए गए थे, लेकिन अभी तक भी वो पूरी तरह से नाफिजुल अमल नहीं हुआ है। जिसके बाद माहिरीन तिब का मानना है कि जितना इसमें डिले होगा उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं हमारे हेल्थ के, उनका ये ज़रूर एश्योरेंस है कि आने वाले दिनों में जी बेहतरी दिखेगी, क्योंकि अब हम और कुछ टाइप्स कर रहे हैं दिल्ली के अंदर जहां पर हमारी रिपोर्ट्स टेस्टिंग जाएंगी और रिपोर्ट जल्दी जल्दी से आए ताकि हम इत्मीनान की सांस लें कि जितने टेस्ट गए हैं उसमें कितने ओमिक्रॉन के पॉजिटिव हैं और कितने लोकल कोविड के हैं। तो फिलहाल एहतियात बरतिएगा जब तक टेस्टिंग लैब भी आती है, अपनी बात अपनी जगह, सरकार की बात अपनी जगह, लेकिन सवाल आपका हमारा रियासत का है। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम सब एक पेज पर आकर इसका मुकाबला करें उसी तरीके से जिस तरीके से हमने फेज वन में किया था, वेव टू में किया था, और तीसरी वेव ने दस्तक दे दी है। अगर एहतियात नहीं की तो हालात अबतर हो सकते हैं। ऑलरेडी मौसमी हालात खराब है हमारे, नजला छाती का दर्द जुकाम ऑलरेडी आ चुका है और इस बीच ये ओमिक्रॉन COVID-19 इसमें मजीद इजाफा कर सकता है। तो इसलिए बराए करम बहुत ज्यादा एहतियात बरतिएगा, घरों के अंदर ही रुकिएगा।